15 साल के अपने शासन में नीतीश कुमार ने कई इतिहास रचे हैं और कई ऐसे वैरियर्स हैं जिनको पार किया है, लेकिन इस बार आज जो नीतीश कुमार करने जा रहे हैं वो एक अलग तरह का रिकॉर्ड बनाने वाला है। नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद में सबसे ज़्यादा संख्या बल वाले दल के रूप में स्थापित हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने थे जिनकी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। 9 उम्मीदवार ही चुनाव में अपने नामांकन दाखिल किए हैं, जो कि आपको पता है कि ये सारे निर्विरोध चुने जाएंगे। आज अंतिम दिन था नाम वापस लेने का और आज ही नामों की घोषणा भी हो जाएगी विजेता उम्मीदवारों की। इन सब के बीच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे कवायद में नीतीश कुमार ने 3, जेडीयू, बीजेपी के 2, आरजेडी के 3, कांग्रेस के 1 उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि इस बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हुई उम्मीदवारों को लेकर के, कई तरह की कयास लगाए जा रहे थे, सारे परिणाम उसके बिल्कुल हमारे द्वारा जो बताए गए थे उसके अनुरूप आए हैं। हमने जिन उम्मीदवारों के नाम बताए थे लगभग वही हुए हैं, और कांग्रेस के बारे में भी हमने बताया था कि चौंकाने वाले उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि विधान परिषद के लिए जो 9 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे उसमें जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा थी, वहीं बीजेपी से संजय मयूख और सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया था। आरजेडी ने अपने कोटे से जो 3 नाम दिए थे उसमें फारूक शेख, जो कि आप सभी जानते हैं कि वो एक व्यवसायी हैं, इसके साथ साथ रामबली सिंह थे जिन पर प्रोफेसर हैं और इन्हें जाति आधार पर आरजेडी ने प्रतिनिधित्व दिया था। उसके साथ साथ सुनील कुमार सिंह हैं जो एक बड़े, आपको पता ही है कि सामाजिक आंदोलन के और विश्वमान के अध्यक्ष के रूप में वो लंबे समय से काम करते थे, लालू प्रसाद के बहुत करीबी माने जाते थे। उसके साथ सबसे ज़्यादा नाटक और ड्रामा तो कांग्रेस में हुआ, पहले उम्मीदवार बनाया गया तारिक अनवर को, फिर बाद में रातों रात उम्मीदवार चेंज हुआ। हमने हालांकि बताया था कि आपको कि सुबह 8 बजे तक आप इस नाम को फाइनल नहीं मान सकते हैं, और बिल्कुल वही हुआ। समीर कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, उनको भी लेकर के बहुत सारी बातें हुई, और इन सब बातों के बीच आखिर उनकी उम्मीदवारी को निरस्त होने से बचा लिया गया। अब स्थिति यह है कि आज इन सभी लोगों का निर्विरोध चुना जाना तय है। इसके साथ ही संख्या बल के आधार पर जदयू एक बड़ी पार्टी हो जाएगी, क्योंकि 5 MLC RJD से जदयू में शामिल हो गए हैं। इन सब को लेकर के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नामांकन की आखिरी तारीख 25 जून थी, 26 जून को नामांकन पत्र की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो सब हम आपसे साझा करते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बढ़त तो जरूर प्राप्त है कि नीतीश कुमार विधान परिषद में अपने हिसाब से एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गए हैं, और नीतीश कुमार की सूझ, उनके लोगों के द्वारा किया गया फील्डिंग इस बात को बताता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और पार्टी के जो नेता हैं वो मजबूती से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं वो देखने को मिल सकता है। चूँकि विधान परिषद के चुनाव में भी जो कुछ हुआ उसमें भी पार्टी के नेताओं का बड़ा योगदान था, सभी बैठ मिल करके बिना किसी हिल हुजत के नामों का फाइनल कर लेना, नीतीश कुमार का कॉन्सेंट आ जाना, और अब विधानसभा के चुनाव की तैयारियों से पहले विधान परिषद में मानसिक रूप से बढ़त प्राप्त कर लेना, ये नीतीश कुमार के लिए आने वाले चुनाव में एक बेहतर विकल्प होगा, और वहीं उनके विरोधियों के लिए निश्चित रूप से एक मानसिक दबाव जरूर बनाता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।